देखिए, दो बच्चियां हैं और ये माँ है और एक उनकी बड़ी बच्ची है। 3 महीने से इन्होंने किराया नहीं दिया है मेरी रूम मालिक से। रात के 12 बज रहे हैं, ये सड़क पर सोए हुए हैं। लोकेशन भी बताऊंगा अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो। और सोचिए, 3 बच्चियां हैं और ये सड़क पर सोने को मजबूर हैं। किराया मकान मालिक ने इनका मकान खाली करवा दिया है। मैंने मकान मालिक से बात की, फ़ोन किया, उनके केयर टेकर से फ़ोन किया। उनका कहना है कि 3 महीने से किराया नहीं दिए हैं। वो कह रहे थे कि पहले भी आपने किराया नहीं दिया तो किराया माफ़ कर दिया था उन्होंने। पहले ऐसी कोई बात नहीं, पहले हमने किराया दिया। मैंने अपनी कभी किराया माफ़ी भी रखे हैं? नहीं, कभी माफ़ नहीं करा उन्होंने किराया। 1 रुपया उन्होंने माफ़ नहीं करा। मैंने अपनी बीवी के चांदी का बटन था वो मैंने बेच के फिर मैंने उनको किराया दिया मालिक को। मैंने वो मैंने मालिक को बोला। कितने दिन से वहाँ रह रहे थे? वहाँ पर कितने महीने तक अपने यहाँ रहते मालिक के बारे? 6-7 महीना हो गया मुझे यहाँ रहते रहते रहते, कभी किराया नहीं हुआ। तो आप लोगों से मदद की गुहार लगाऊंगा। कल इनको 3 महीने का किराया बाकी है। लॉकडाउन रात काम चला रात क्या लॉकडाउन की वजह से मेरा काम चला नहीं। मैंने बोला बाबूजी मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको किराया मैं पहुंचा दूंगा। मैं कहाँ जाऊँगा, मैं इतना पुराना यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं आपका बिल और जो मीटर का बिल बनता है और किराया बनता है मैं आपका 1 रुपया चुका दूंगा। कह रहा मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, तो अभी कभी खाली कर। और हमारे खाने के बर्तन वर्तन सारे उसके अंदर। मैंने बोला बाबूजी खाने के बर्तन मेरे अंदर रखे हुए वो तो निकालने दो। वो तक भी हमें निकालने नहीं दिया उन्होंने, नहीं निकालने दिया। मैंने पूरा दिन धूप के अंदर वहाँ लेके वहाँ पुल के नीचे जाके बैठा रहा मैं पूरे दिन। मैंने कपड़े वपड़े चादर वादर रखी, बच्चे को उड़ाऊंगा बाहर निकल। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान जोधपुर का। क्या नाम है, पूरा नाम बताइए? मेरा नाम कालू है। क्या काम करते हैं? मूर्तियों का काम करता हूँ, डिजाइन का। ये भगवान की मूर्ति आप ही बनाते हैं? भगवान की मूर्तियाँ मैं ही बनाता हूँ बाबू जी। 100 फीट डिजाइन मूर्ति मैं बनाता हूँ यहाँ पे। देखिए इनके कितने बच्चे हैं ये? मेरे 3 लड़की 1 लड़का है। 3 लड़की और 1 लड़का है देखिए। और इनकी वाइफ है और उनको रात में मकान मालिक घर खाली कर दिया। मैं उनसे 1 घंटे गुजारिश किया हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। कल सुबह इनकी मदद करने की कोशिश की जाएगी कि इनका इंतजाम हो। लॉकडाउन में अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब है और ये है रोज़ कमाने खाने वालों की हालत। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। 3 बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे? आप जाते हैं, लड़का 6th क्लास में, लड़की 7th क्लास में, ये खाने वाले स्कूल के अंदर। तो देखिए ये मासूम बच्चे हैं जो सड़क पर रात के 12 बज रहे हैं और इस समय सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो ये हालत है, इन मासूमों की मदद करनी होगी आपको। कल इसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, क्राउड फंडिंग करने की कोशिश करेंगे। जितना हो सकता है उतना कीजिए। दुनिया में जिस तरह से महामारी है, भारत में जिस तरह से लोग लाचार हैं, मकान मालिक का एक पक्ष हो सकता है, लेकिन इतना बुरा भी वक्त नहीं होना चाहिए कि किसी को बच्चों साथ सड़क पर सोने के लिए मजबूर कर दिया जाए। आपने आश्वासन दिया था कि मैं लौटा किराया भर दूंगा बुजुर्ग बच्चे। मैंने बोला था कि मेरा काम खुल जाएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरा किराया मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद आपकी राजी हो मुझे रखना चाहे मत रखना, पर मैं किराया देके खाली करूंगा। पर मुझे अभी परेशानी है, मेरे बच्चे लेके बड़ी बड़ी लड़की है, मैं कहाँ लेकर रोड पर सोऊंगा। कह रहे मुझे, मैं कुछ नहीं जानता, कहीं भी जाओ कहीं भी मोड़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा खाली करो, ताला लगा रहा हूँ मैं अभी के अभी। मैंने बाबू जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या बोल सकता हूँ। उन्होंने ताला लगा के चले गए, सामान खाने पीने का कुछ निकालने नहीं दिया, ना कोई चादर निकालने दी उड़ने की। ये लाओ मांग के भी बचा के यहाँ से रहो बच्चे को। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की अगर थोड़ी मदद मिल जाएगी तो मदद कीजिए इनकी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, सुबह क्राउड फंडिंग की कोशिश होगी। मैंने मकान मालिक से बात की है, 1 घंटे की बातचीत हुई है। रात में उन्होंने तैयार हो गए हैं कि मैं इन्हें रखता हूँ, सुबह इस मसले को और देखेंगे। लेकिन लॉकडाउन में रोज कमाने खाने वालों की क्या हालत है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मकान मालिकों को थोड़ा दरिया दिली दिखानी होगी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे तो आते हैं, अगर दर्जनों मकान है इतने पैसे आते हैं तो मकान मालिक से मेरी 1 घंटे की, रुकिए भैया, मकान मालिक से मेरी लगभग कई दौर की बातचीत हुई है, बताऊंगा। वो एक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, उस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि लोगों की मदद कीजिए। उन्होंने जितना ध्वंस देना था मुझे भी दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रात में इनको आसरा मिल जाए। पास 12 बजे जाने दिया, सुबह 8 बजे फिर इनको घर से निकाल दिया। आपको पता है मात्र 10,000 रुपये, 3 महीने से कालू ने रेंट नहीं दिया है। राजस्थान के रहने वाले हैं, 4 छोटे छोटे बच्चे हैं इनका, 1 बच्चा है, ये 2 बच्चा है, ये इनकी बड़ी बेटी है और एक और लड़का। और देखिए ये खाना दुकान से खरीद के लाए हैं।
लॉकडाउन में किस तरह लोगों की हालत ख़राब है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये उनकी पूरी गृहस्थी है, ये पूरी गृहस्थी है इसी देश की राजधानी दिल्ली में। और ये देखिए, ये इनके पूरा गृहस्थी है, इनको क्या कल रात में तो जाने दिया 1 बजे। हाँ, रात के 1 बजे उन्होंने कमरा मेरा सारा खाली करा दिया, मैं यहाँ पर आ गया। उन्होंने, मैंने ये बोला कि मेरे को थोड़ी चादर ओढ़ने के लिए चाहिए और थोड़ा बर्तन चाहिए, गैस वैस चाहिए मुझे, रोटी वोटी बच्चे बना के खा लेंगे। तो उन्होंने बोला तू खाना खाओ चाहे मत खाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मैं ताला लगा रहा हूँ, तुम कहीं भी जाओ। तो उसने आके फिर ताला लगवा दिया, फिर मैं यहाँ पे आके हो गया। फिर सुबह खाली करा के यहाँ सामान, सुबह 8 बजे खाली करवा, ताला लगा। कितना रेंट बाकी है मेरा? मैं महीने का 3,500 भर रहा था, 3 महीने का रह गया। तो मैंने बोला बाबूजी कोई बात नहीं, लॉकडाउन के वजह से मेरा काम धंधा चला नहीं, मैं इतना पुराना यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं अपना आईडी प्रूफ दिखा दूंगा, मैं बहुत पुराना, मूर्तियों का हमारे ठीक लगते थे यहाँ पे। तो मैं आपको कैसे करके महीने 15 दिन के अंदर मैं कैसे करके, अब लॉकडाउन खुला है तो मैं अपना काम मजदूरी करके, मैं आपका चेहरा दिखा, अपना चेहरा दिखा, मैं अपनी मजदूरी करके कैसे काम धंधा करके मैं आपका थोड़ा थोड़ा करके पैसा मैं पहुँचा दूंगा पूरा। कह रहा मुझे पैसा पहुँचाने की जरूरत नहीं है और तू कमरा खाली कर दो। क्या नाम है मकान मालिक का? उनको ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, गुप्ता जी कहते हैं। अच्छा, 3 महीने से किराया बाकी है? कितना किराया बाकी है? 3,500 महीने के हिसाब से 10,000। हाँ, उतना ही हुआ है। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 8th में। आप लोग स्कूल जाते हैं? आप भी साथ काम करते हैं? हाँ, साथ में काम करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान के, जोधपुर के। जोधपुर के? हाँ। तो देखिए, ये 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोगों को मदद करनी पड़ेगी। सोचिए, लॉकडाउन में जब सब पर मुसीबत है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो ये लाचार मजदूर गरीब आदमी सड़क पर अपने 4 बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, पूरा परिवार, ये पूरी घिर गृहस्थी है, चप्पल है, जूते हैं, मालिक 10,000 रुपये के लिए निकाल दिया। हम ये तो नहीं कह सकते कि कौन गलत है कौन सही है, लेकिन इंसानियत का तकाजा समझिए। कल रात भी ये यहीं बस स्टॉप पर रहें, बहुत मेहनत रिक्वेस्ट करके इनको अंदर करवाया, अब जबकि फिर से इनको सुबह फेंक दिया गया। अब हम लोग के हाथ में कि हम इनकी मदद करें या ना करें। नेशनल दस्ता की कोशिश है, इनको हम शाम तक ज़रूर शिफ्ट करवाएंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि कल्लू की मदद कीजिए। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान जोधपुर का रहने वाला हूँ मैं। कितने साल से दिल्ली में काम कर रहे थे? दिल्ली में हो गया मुझे कम से कम 17-18 साल हो गए मुझे रहते रहते। पहले भी कभी किसी से मदद ली है? पहले भी कभी कोई खाली बात है? नहीं, कभी किसी से कोई। लॉकडाउन की वजह से? बस लॉकडाउन की वजह से कभी आज तक हमें कभी ऐसा हुआ नहीं। हम लोगों ने किराया भरा, लाइट का बिल भरा, काम करा, मजदूरी करा, कमाया खाया, सब कुछ करा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब खर्चे उठे थे। लॉकडाउन की वजह से हमें थोड़ा दिक्कत हो गई, परेशानी हो गई। आज ये दिन आ गया कि भी बच्चे लेके, मैं रात भर बच्चों को लेकर यहाँ ध्यान रख रहा था। मैंने बोला बच्चे तुम सो जाओ, मैं नहीं सो पाऊंगा क्योंकि बड़े बड़े बच्चे मेरे, कहाँ जाऊँगा। तो इसकी वजह से मैं यहाँ पड़ा हुआ था। सिर्फ 3 महीने किराए के चक्कर के अंदर मकान महीने खाली करवा दिया। खाना अभी खरीद के लाए हैं? खाना लेके आया, दाल चावल लेके आया दुकान से खरीद के। वो भी एक वो पलंग था, बिछाने वाला पलंग, क्या कहते वो लोहे वाला, उसको 250 रुपये में बेच के, उसको 250 में बेच के फिर लाया खाना। आज 250 रुपये में बेचे? हाँ, उसको 250 में पलंग को फोल्डिंग वाला वो बेच के वो खाना लाया मैं। शाम तक मैं वीडियो डालूंगा, शाम तक हमें कल्लू की मदद करनी होगी ताकि इनको वापस इनका घर मिल सके। आप लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन में क्या हालत है। लेकिन जो जिस गुप्ता जी से मेरी बात हुई थी कल, उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी का बड़ा नेता भी हूँ, कार्यकारिणी में हूँ, मेरे कई सारे बिल्डिंग हैं, उसके बाद भी 10,000 रुपये के लिए स्थिति है। उनकी अपनी मजबूरी होगी, बिना किराया के कोई नहीं रहने देगा, आप कह सकते हैं। लेकिन लॉकडाउन में इस तरह का ठीक नहीं है। सड़क पर लाखों लोग रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ जो आदमी रोजी रोटी चला रहा है 15-18 सालों से दिल्ली में, और वो लॉकडाउन में मजबूर है, तो ये हम लोग की भी जिम्मेदारी है एक दिल्ली वाले की तरह कि इनकी मदद की जाए और इनको घर दिलवाया जाए। बैंक है आपके पास? दिखाइए खाता, दिखाइए बैंक अकाउंट है? नहीं, ये तो रहा ठीक है, ये स्टेट बैंक है, इनका अकाउंट है, मैं इनको बताऊँगा। अमर क्या नाम, ये देखिए अकाउंट नंबर इनका दिया हुआ है, मिस्टर कालू नाम है इनका, राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं, मूर्तियां बनाते हैं, देखिए कारीगर हैं, कलाकार हैं, लेकिन अब इनका पूरी ज़िंदगी इनको सड़क पर बस स्टॉप पे काट रहे हैं। 3-4 छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी मदद की जाए ताकि इनकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर आ सके। कैमरा पर्सन निधि रतन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।